मैं एक खास गेस्ट को बुलाना चाहती हूँ जो मेरी छोटी बेटी सुचिता मुखर्जी है। क्या बात है, चलिए मिलते हैं उनसे। हाय अंजलि जी, मतलब आप कितनी खुश नसीब है। You have been blessed with two beautiful, lovely daughters. Yes. Nice to meet you. And as I always say, हम हमेशा आपकी माँ से कुछ ना कुछ नई चीजें, health tips सीखते हैं। तो आपकी बड़ी बहन के लिए मैंने एक सोया की, यानी कि सोया नगेट्स की बहुत बढ़िया रेसिपी बनाई थी। आप क्या पसंद करती हैं? मुझे मैंगोज बहुत पसंद है। क्या बात है, मुझे भी मैंगोज बहुत पसंद है और सारी दुनिया को मैंगोज बहुत पसंद है। तो बनाते हैं आपके लिए खास मैंगो बेस्ड रेसिपी, लेकिन उसके पहले आप कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगी? आज की युवा पीढ़ी ज़्यादातर बहुत ही अनहेल्दी फूड्स और जंक फूड्स में ज़्यादातर वे अपना समय बिताते हैं, तो मेरे हिसाब से उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए, ज़्यादातर व्यायाम करना चाहिए और अपने डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ानी चाहिए। एज मदर एज डॉटर ऑलवेज टॉक हेल्दी। आप हमारे यहाँ पे आई, आपने अपने व्यूज शेयर करे, आपके लिए मैंगो की रेसिपी बतानी है, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आई। इसलिए सुचिता ने कहा था कि उन्हें मैंगोज बहुत पसंद है। भाई ऐसा कौन है जिसे आम पसंद नहीं है, तो बनाते हैं उनके लिए उनकी एक फेवरेट रेसिपी जो है मैंगो एंड पाइनएप्पल साल्सा। तो चलिए ये 3-4 स्लाइसेस पाइनएप्पल की जो है ये हमने चॉप कर ली जी। और अब आपकी डॉटर का फेवरेट यानी कि मैंगो जी। तो चलिए इसका भी छिलका उतार लेते हैं। सभी बच्चों को मैंगो काफी पसंद है। बिल्कुल, इट इज अ वेरी न्यूट्रिशियस फ्रूट और काफी ये फैटनिंग भी माना जाता है, इन द सेंस कि अगर बच्चा अंडरवेट हो तो उसे आम रस बना के देते हैं या खूब सारा मैंगो खिलाते हैं ताकि उसका थोड़ा सा वजन बढ़ जाए। एंड अगर आपको इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए यूज करना है तो आप कम मात्रा में भी खा सकते हैं मैंगो। क्या बात है, लेकिन मेरी मम्मी को भी डायबिटीज हो गया है। हाँ, फिर नहीं खाना, तो क्या उन्हें खाना चाहिए? नहीं, नहीं। बहुत मीठा रहता है ना? बहुत मीठा रहता है, इट्स ऑल्सो फैटनिंग। जो लोग पतले होना चाहते हैं वो भी ये ना खाएं या कम खाएं, एंड डायबिटिक्स को भी ये नहीं खाना चाहिए because it has got a high sugar content. बिल्कुल, चलिए अगर आप डायबिटिक है तो आम मत इस्तेमाल करिए, लेकिन सालसा में अगर और कोई फ्रूट्स है, लेकिन पाइनएप्पल खा सकते हैं। हाँ, तो आप पाइनएप्पल सालसा बना सकते हैं उनके लिए। और अगर मैंगो नहीं चाहते तो आप इसमें पपाया भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब खास तौर पर मैक्सिको में एक कॉम्बिनेशन है कि मीठे के साथ तीखा थोड़ा वो लोग पसंद करते हैं। अच्छा, तो ये मैक्सिकन हैलापेनो चिलीज मेरे पास, आप चाहे तो नॉर्मल मिर्च ले ले, इसे हल्का सा सिरके में आप थोड़ा सा बॉईल करके ले तो ये लगभग ऐसे ही बन जाएगा। तो इसके जो बीज है वो थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी होते हैं, तो बीज हम निकाल लेंगे। चलिए तो इन चिलीज को अब हम बारीक चॉप कर लेते हैं। मोटा स्पाइसी पीस जो है ये मुंह में नहीं आना चाहिए। तो मीठा और स्पाइसी इस तरह से मिश्रण होगा? हाँ जी, सालसा यानी कि थोड़ा सा खट्टा मीठा, जैसे कि कोई इमली की चटनी हो थोड़ी सी खट्टी मीठी। अच्छा अच्छा, तो व्हाट चटनी मींस टू इंडिया, ये सालसा मींस टू मेक्सिको। तो ये मिर्च हो गई, अब थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी इसमें भुना हुआ हल्का सा, चलिए स्टिम्युलेटिंग रेसिपी है ये। तो ये खूब सारा प्याज जो था इसके राउंडल्स हमने सेपरेट कर लिए हैं, तो ये थोड़े से रख लेता हूँ, शायद गार्निश में काम यानी कि प्रेजेंटेशन में काम आ जाए ये सारी चीज़ें इसमें। अब थोड़ा सा रेड येलो कैप्सिकम भी आप अगर डालना चाहे तो वो भी। खूब सारा कैप्सिकम ये इसमें, और जो हरा प्याज होता है वो खासकर काफी रेसिपीज में, मैक्सिकन रेसिपीज में होता है। अच्छा, तो ये हरा प्याज पूरा का पूरा इसमें, थोड़ा सा फिर से बचा लेते हैं, शायद गार्निश यानी कि प्रेजेंटेशन में काम आए। तो ये सारी चीजें इसमें, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, तो ये नमक भी डाल देते हैं इसमें, और थोड़ा सा क्रश यानी कि फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और अब बस इन सारी चीजों को हमें टॉस करना है इसी बोल में। तो एक एक करके ये जो सालसा है हमारे पास ये इसमें भरेंगे,
तो एक क्रिस्प और ये जो फ्रूटी कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया लगता है। सो अकेले सैलेड जैसे भी खा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप किसी में भर के खाएं, है ना? नहीं, और इसे भी भर देते हैं। तो ये इसका मुंह उल्टी तरफ ताकि बीच में थोड़ी जगह बने। और ये जो तीसरा है हमारा, ये टाको शेल, इसे हम कोशिश करेंगे कि ये बीच में ऐसे खड़े रहे। इसे और थोड़ा सा गार्निश करने के लिए ये जूलियन हरा प्याज जो है ये यहाँ आ गया। और एक कटोरी में ये जो सालसा बचा है ये भी हम सर्व कर देंगे। ये इसमें ये डाल दिया, कितना कलरफुल लग रहा है देखिए। ये राउंडल्स है कुछ मेरे पास, ये यहाँ, और ये यहाँ। चलिए, बढ़िया सी मेक्सिकन सालसा तैयार है। टाकोस के साथ खाए, खाकरियों के साथ खाए, कैसे भी खाए, चटपटी बनाए। मुझे भी अगर आप न्योता देंगे तो मैं भी चखने आ जाऊंगा, लेकिन जरूर बनाए। Food, food, it's sizzling.